हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल इलाकों में दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी व बारिश से बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। खासकर मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ और बारिश न होने से बागवानी कार्य सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है। इन क्षेत्रों में इस मौसम की पहली बर्फबारी से कृषक बागवानों को राहत मिली है। बागवानों का कहना है कि इस बर्फबारी से पौधों की रोपाई और अन्य बागवानी कार्यों के लिए भूमि में पर्याप्त नमी होगी। अभी तक बागवान बर्फ की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बागवानों का कहना है कि इस बर्फबारी से फल पौधों को जरूरत मुताबिक चिलिंग आवर्स भी मिलेंगे, इससे अच्छी फसल होने की उम्मीद है। इस बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, लोग आग ताप कर ठंड से बचाव कर रहे हैं। बर्फबारी के चलते अधिकतर मार्ग भी बंद हो गए हैं। सचिन कायस ने बताया कि बर्फ की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, अब अच्छी बर्फ गिरने से वे खुश हैं। खासकर इस सेब बहुल क्षेत्र में पौधारोपण के लिए काफी संतोषजनक बर्फबारी और बारिश हुई है। और ये जो बर्फबारी हुई है, हमें इसका काफी लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि चोटियों में तो बर्फ आती रही है। हम थोड़ा मध्य क्षेत्र में आते हैं, निम्न क्षेत्र थोड़ा हाइट के हिसाब से नीचे क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ भी आज बर्फबारी हुई है, इसलिए हमें आज बहुत प्रसन्नता है। बच्चे खूब खेल रहे हैं और गांव में काफ़ी चहल पहल है। खासकर हम बागवानों के चेहरे पर जो है काफ़ी हमारे चेहरे खिले हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब हम अपने बागवानी का जो कार्य है उसे बहुत दिलचस्पी के साथ कर सकेंगे। पौधरोपण का जो काम है वो हम अब शुरू करेंगे, इस इंतज़ार में थे। वहीं शांतनु हुड्डा ने बताया कि यहाँ बर्फ काफी अच्छी हुई है। ठंड बढ़ने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लोग घरों में आग सेक कर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। शांतनु हुड्डन, बर्फबारी काफी अच्छी हो गई है यहाँ पे, तो बर्फबारी काफी होने से ठंड ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग काफी खुश हैं इस बर्फबारी से। लोगों को काफ़ी फायदा भी है, सेब के बगीचे के लिए ये बर्फबारी काफ़ी फायदेमंद है। बागवान बंसीलाल ने बताया कि ये बर्फबारी अच्छी हुई है, बागवानों के लिए शुभ संकेत हैं। इससे पौधों को जो ठंडक की जरूरत होती है वे पूरी हो गई है। इसके साथ ही पौधारोपण के लिए भी अब भूमि में नमी आ गई है, अब बागवान भी काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि पहले बागवान सूखे के कारण मायूस थे, अब सभी बागवान कार्य आसानी से बागान में कर सकेंगे। मेरा नाम बंसीलाल कायत है। यहाँ पर जो बर्फ खासकर इस इलाके में 2013 के बाद आई है, हाइट में तो पहले भी काफ़ी बर्फ आई है, और हम ऐसी जगह में रहने वाले आदमी हैं जहाँ पहले बारी बर्फ आई है, और हमें बहुत खुशी की लहर है कि बागवानी तो हम भी करते हैं, पर हम मायूस थे क्योंकि आज तक यहाँ बर्फ नहीं आ रही थी। अभी कम से कम पहली बर्फबारी यहाँ हुई है, जिससे खुशी की लहर हमारे हमको महसूस हुई है, और हम नए पौधे भी लगाएंगे, और हमारे जो सेब की है उसकी चिलिंग ओवर भी पूरे हुए हैं, और नमी भी पूरी हुई है, जिससे हम अपने खाद गोबर और अन्य काम भी कर सकते हैं, जैसे हमारी आलू है कोई और चीज़ है इसको भी हम लगा सकते हैं। थैंक यू।